नमस्कार दोस्तों, डीके थ्योरी होम डिज़ाइन में आपका फिर से एक बार स्वागत है। जैसे कि आप जानते ही है, मेरा नाम डीके लोनकर है और मैं चैनल पर नए नए प्लान्स नए नए डिज़ाइन लाते रहता हूँ। तो आज भी आपके लिए एक छोटा सा प्लान लाया हूँ, जिसका डिटेल मैं आपको समझाऊंगा। वो प्लान जो है, प्लान तो हमने नहीं बनाया था, या क्लाइंट का प्लान था, हमारे पास 3D फ्रंट एलिवेशन के लिए आया था। उसका 3D फ्रंट एलिवेशन मैं आपको बताऊँगा और उसके कुछ कलर ऑप्शन भी हमने बनाए थे, वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए और हो सके तो अपने दोस्तों और रिश्तेदारों को भी ये वीडियो शेयर करने की कोशिश करें, क्योंकि हो सकता है इस वीडियो से उनको कुछ ना कुछ फ़ायदा हो। उससे पहले स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, हमारे ऑफिस के नंबर है। अगर आपको प्लान की या डिज़ाइन की ज़रूरत है तो इन नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सअप कर सकते हैं, और हमारी क्या फ़ीस होती है, क्या प्रोसेस होती है, उसकी डिटेल में जानकारी ले सकते हैं। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए, और बाजू में जो बेल का आइकन है वह भी दबाइए, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो देखिए, स्क्रीन पर जो देख रहे हैं, एक प्लान है जो आज हमने आपके लिए लाया है। यह प्लान तो हमने नहीं बनाया था, हमारे पास क्लाइंट का प्लान आया था 3D फ्रंट एलिवेशन के लिए। इसका 3D फ्रंट एलिवेशन भी हमने बहुत ही बढ़िया बनाया है, वो मैं आपको दिखाऊंगा। यहाँ पे आपको देख रहा है, यह ग्राउंड फ्लोर प्लान है। जिसमें आपके आपको जो है प्लॉट का साइज़ देख लीजिए, देखिए 23 फीट बाय 50 फीट 10 इंच का है, मतलब 23 फीट बाय 50 फीट का यह पूरा प्लॉट का एरिया है, जिसमें ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग दिख रही है आपको, और ग्राउंड फ्लोर पे एक बेडरूम दिया गया है और एक उसको अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। और इस प्लॉट को देखेंगे तो दो रोड बताए गए हैं, यहाँ पे एक रोड बताया गया है और यहाँ पे एक रोड बताया गया है, लेकिन मेन एंट्री जो है यहाँ पे दी है। ये ग्राउंड फ्लोर पे पार्किंग है फर्स्ट फ्लोर पर, और सेकंड फ्लोर पर पूरा एक फ्लोर प्लान बनाया गया है। उसका 3D फ्रंट एलिवेशन में आपको और भी क्लियर नज़र आ जाएगा। देखिए, यहाँ पे हमारा रोड है, रोड से हम जैसे ही एंट्री करेंगे यहाँ पे हमारा मेन गेट रहेगा, यहाँ पे हम कार पार्किंग वगैरह कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो है पार्किंग के लिए एरिया रखा गया है, उसके बाद में यहाँ पे एक रूम दिया है बेडरूम, और यहाँ से एंट्री हो सकती है इसकी। यहाँ पे एक बेडरूम है, देखिए बेडरूम का साइज़ जो है 10 फीट बाय 13 फीट का है, मतलब 10 फीट बाय 13 फीट का, और एक विंडो यहाँ पे दिया है और एक विंडो यहाँ पे दिया है, और पीछे एक साइड में OTS रखा है, मतलब ओपन टू स्काई रखा है, इसलिए यहाँ से इस बेडरूम को वेंटिलेशन मिल जाएगा। और इस साइड में तो रोड है ही, इसलिए यहाँ से भी वेंटिलेशन मिल सकता है। और इसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है, लगभग 5 फीट बाय 7 फीट 8 इंच का है, मतलब काफ़ी बढ़िया साइज़ है, और इसको भी वेंटिलेटर यहाँ पे दिया गया है। और उसके बाजू में देखेंगे तो देखिए, फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए हमारी स्टेयर दी गई है। स्टेयर जो है यहाँ से स्टार्ट होती है और यू टर्न करके फर्स्ट फ्लोर पर पहुँच जाते हैं। देखिए, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं या तो इस साइड से भी स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे स्टेयर जो दी है वो फर्स्ट फ्लोर की तरफ जाने के लिए दी है, और उसी के बाजू में एक लिफ्ट का अरेंजमेंट किया गया है 6 फीट बाय 4 फीट का लगभग। और इससे भी देखिए, लिफ्ट से भी डायरेक्टली हमारी एंट्री यहाँ पे हो जाएगी। और उसके बाद में यहाँ पे एक स्टोर रूम एडजस्ट किया गया है। यहाँ पे आपको शायद क्लियर नज़र नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक स्टोर रूम एडजस्ट किया गया है, और यहाँ पे एक ओपन टू स्काई रखा गया है, मतलब OTS रखा गया है या ओपन टू स्काई रहेगा, यहाँ पे भी हम स्लैब नहीं डालेंगे। तो ये प्लान तो उन क्लाइंट ने बनाया था या हमने नहीं बनाया था, इसलिए इसका डिटेल मैं आपको नहीं समझाऊंगा, शॉर्ट में समझाऊंगा। उसके बाद में ऊपर चलते हैं फर्स्ट फ्लोर की तरफ। देखिए, नीचे से ग्राउंड फ्लोर से हम एंट्री करेंगे और हमारी एंट्री जो है यहाँ पे हो जाएगी, और यहाँ पे आने के बाद देखेंगे तो हम लिविंग रूम में एंट्री कर सकते हैं डायरेक्टली। तो लिविंग रूम का साइज़ जो मिल रहा है हमें लगभग 15 फीट 8 इंच का है, मतलब लगभग 15.5 फीट बाय 18 फीट का है, काफ़ी बढ़िया साइज़ है। और यहाँ पे एक विंडो दिया है बड़े एक साइड में, बड़े साइज़ में यहाँ पे, क्योंकि इस साइड में हमारा रोड है। और इसमें एक डाइनिंग भी एडजस्ट किया गया है। उसके बाद में ये ओपन किचन दिया गया है लगभग 10 फीट बाय 13 फीट का, और इस किचन को एक ऊपर यहाँ पे गैलरी दी है, मतलब वॉश एरिया दिया गया है लगभग 10 फीट बाय 4 फीट 8 इंच का, काफ़ी बढ़िया एरिया दिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे एक बेडरूम बताया गया है। देखिए, हम लिविंग रूम से ही डायरेक्टली इस बेडरूम में एंट्री कर सकते हैं। 12 फीट बाय 11 फीट 8 इंच का इस बेडरूम का साइज़ है, और इसे भी एक बालकनी दी गई है इस साइड में, और इसको भी अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है। और बाद में देखेंगे तो देखिए, इस साइड में एक लिविंग रूम से इस साइड में आ जाएंगे तो यहाँ पे भी एक बेडरूम है 10 फीट बाय 13 फीट का है, मतलब 10 फीट बाय 13 फीट का है। और इसे भी देखेंगे तो विंडोज जो है दो दिए गए हैं यहाँ पे, और देखिए यहाँ पे एक विंडो बताया गया है और यहाँ पे एक, तो वेंटिलेशन काफ़ी बढ़िया रहने वाला है। और उसको एक अटैच टॉयलेट बाथरूम दिया गया है लगभग 5 फीट बाय 7 फीट 9 इंच का, मतलब काफ़ी बढ़िया साइज दी गई है। इसको पीछे के साइड में वेंटिलेशन के लिए ओपन डक्ट दिया गया है, इसलिए इस बेडरूम को और इस बाथरूम को यहाँ से वेंटिलेशन मिल जाएगा।
तो देखिए अब इसका 3D फ्रंट एलिवेशन किस टाइप में बना था वो भी एक बार देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे आपको बताया गया है ग्राउंड फ्लोर पे बताया गया था पार्किंग है, उसके बाजू में एक रूम है और टॉयलेट बाथरूम है। उसके बाद में फर्स्ट फ्लोर पर आपको बताया गया है लिविंग रूम है, बेडरूम है और इनको बालकनी दी गई है। देखिए यहाँ पे एक बालकनी बताई गई है, यहाँ पे एक बालकनी बताई है और सेम प्लान जो है ऊपर भी रिपीट किया गया है। तो उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे भी गैलरी दी गई है, मतलब बालकनी दी गई है और यहाँ पे भी एक बालकनी दी गई है। तो ये कॉर्नर प्लॉट होने की वजह से इस साइड से भी एक छोटा सा एक डिज़ाइन एडजस्टमेंट किया है। उसके कुछ अब इस 3D एलिवेशन के कुछ ना कुछ कलर ऑप्शन हमने बनाए थे वो भी एक बार देख लेते हैं वो किस टाइप में बनाए थे। तो देखिए रेंडर होने के बाद ये इस टाइप में पूरा क्लियर दिखेगा, काफ़ी बढ़िया लुक नज़र आ रहा है और सिंपल सा और मॉडर्न सा डिज़ाइन नज़र आ रहा है। G+2 है, मतलब ग्राउंड प्लस फर्स्ट प्लस सेकंड। और उसके बाद में ये देखिए कलर, ये कलर ऑप्शन है लेकिन साइड से व्यू बताया गया है। देखिए इस साइड से भी काफ़ी बढ़िया और बहुत ही बेहतरीन लुक नज़र आ रहा है। यहाँ पे जो विंडोज़ थी उनको विंडोज़ को काफ़ी बढ़िया एक डिज़ाइन दिया है, बॉक्स पैटर्न में डिज़ाइन एडजस्ट किया गया है। और ये जो विंडो है यहाँ पे भी काफ़ी बढ़िया और बॉक्स पैटर्न में डिज़ाइन एडजस्ट किया गया है। और गैलरी पे भी देखिए सब कुछ अलग और डिफरेंट टाइप का डिज़ाइन हमने दिया है। इस साइड में भी देखेंगे तो काफ़ी बढ़िया और अलग सा डिज़ाइन दिया है। और वॉल कंपाउंड पे भी देखेंगे आप तो काफ़ी बढ़िया और सिंपल से डिज़ाइन हमने दिया है। और उसको ये देखिए लाइट इफेक्ट भी दिए है। तो इसका जो है देखिए साइड व्यू तो हमने बताया था आपको, ये फ्रंट व्यू है, ये साइड व्यू है। और इसमें देखें नॉमिनल कुछ कलर ऑप्शन आपको चेंज नज़र आ जाएगा और इसमें भी नॉमिनल कलर चेंजेस है। तो इस टाइप में ये पूरा सिंपल सा डिज़ाइन हमने बनाया था। आशा करता हूँ कि ये डिज़ाइन जो है आपको डिटेल में समझ में आया है और पसंद भी आया है। तो इसी प्रकार के लगभग हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हमने चैनल पर ऑलरेडी अपलोड किए हैं और आने वाले समय में और भी हज़ारों प्लान्स और डिज़ाइन हम चैनल पर लाने वाले हैं। तो हमसे जुड़े रहने के लिए प्लीज़ हमारा चैनल सब्सक्राइब करके रखिए और बाजू में जो बेल का आइकन है वो दबाना बिल्कुल ना भूले, ताकि हम जो भी नया वीडियो अपलोड करते हैं उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके और वो वीडियो आपसे मिस ना हो। तो इस वीडियो को देखने के लिए आपने जो आपका कीमती समय दिया है उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। तो अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।